अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियोस से हम क्या कर रहे हैं, गेट के मैथमेटिक्स टॉपिक को लिया हुआ है हमने, दैट इज लीनियर एलजेब्रा, जो बहुत ही ईजी है और आपको गेट में स्कोर करना हो तो बहुत ही इजी टॉपिक है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे कि आपको पता ही होगा ये थियरी, तो हम थोड़ा आपको समझा देते हैं ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस करने में इजी रहे। सो बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब क्या, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां पे ए आपकी होगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स होगा आपका कोई भी वेक्टर हो सकता है ऑफ ऑर्डर एन, और बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ऑर्डर एम। सो और ए और नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स मतलब, नॉन होमोजीनियस मतलब ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू दिए रखी हो, कांस्टेंट वैल्यू बी मैट्रिक्स दिया रखा होगा आपको, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। और अगर ए एक्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया हो तो आपको समझ जाना कि ये इक्वेशन कौन सा है, कि होमोजीनियस इक्वेशन है। सो गॉट इट, दो टाइप के होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और ए एक्स इज इक्वल टू बी, नॉन होमोजीनियस मतलब ए एक्स इज इक्वल टू बी। सो हम इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ए मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। सो लेट सी कि सॉल्व कैसे करेंगे, आपको उसका क्या रूल है। सो यहाँ पे लिखा है फॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब पहले आपको इसके लिए रैंक फाइंड करना आना चाहिए, और अगर आपको आपने आपको नहीं पता कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रैंक कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर आपको रैंक का निकालना आता होगा तो ही आप इस टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आपको रैंक ही निकालना नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे, या होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सो देखते हैं पहले कि इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन देन यूनिक सॉल्यूशन और ट्राइवल सॉल्यूशन। अगर रो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, अगर उसका रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होता है, सो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन मतलब क्या, एक्स वाई जेड या ए बी सी जितने अननोन होंगे उसको बोलेंगे नंबर ऑफ अननोन्स। सो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स है लेस देन नंबर ऑफ अननोन होता है तो उसका क्या होगा, देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और फिर वैसे ही सेम होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए रूल है कि अगर इफ रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू रो ऑफ ए बी, ए बी मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें बनाना है ए बी का, सो अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए बी होगा, सो नंबर ऑफ अननोन अगर तीनों इक्वल हो, रो ऑफ ए रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी और तीनों दोनों अगर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होगा देन यूनिक सॉल्यूशन। फिर है इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन देन इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते तो उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। ओके, सो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बार हम फिर से रिवर्स करते हैं। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, और अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन सो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर अगर ये दोनों ही केस ना हो, अगर डायरेक्टली रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो, सो उसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। ओके, सो ऐसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के। ओके, सो आई होप आपको थियरी समझ आ गई होगी। अब हम कुछ गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको एकदम टॉपिक क्लियर हो जाए और इसमें आप फुल मार्क्स मिल सके आपको गेट जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें।
सो लेट्स सी द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए। और ये गेट का ही क्वेश्चन है, तो गेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 3 1 1 0 2 3 1 5 ए बी सी, तो ये ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में है। यानी आपको ये देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया गया है आपको, जैसा कि हमने थियरी में एक्सप्लेन किया था उस हिसाब से। क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो हो तो होमोजीनियस, इक्वल टू जीरो ना हो तो नॉन होमोजीनियस। सो पूछा गया है यहाँ पे कि क्या होगा उसका सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन होगा। ये गेट ईसी 2014 ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है। सो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले आपको ले लेना है ए बी मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स हमने कहा था कि नॉन होमोजीनियस हो तो ए बी हमें मैट्रिक्स लेना है। ए बी मतलब क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसे हम बोलेंगे। जैसे कि ये आपको दिख रहा है ए, ए को आप एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे डैश डैश करके ये जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है वो लिख देंगे आप। सो 2 3 1 1 0 2 3 1 5, ये वैसे का वैसा लिख दिया और ये वाला इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। सो अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में इसको लाना है, जिसको हम आरई फॉर्म बोलते हैं शॉर्ट में। ये आपने मैट्रिक्स में देखा ही होगा। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो रो नंबर 3 है इसको सबसे ऊपर लिख देंगे, क्योंकि ये 1 वाला जो है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। और रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के हिसाब से और उसके नीचे के नीचे के दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, R1 को 3 में ले आएंगे और R3 को 1 में ले जाएंगे, इंटरचेंज कर देंगे। सो हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 5 3 0 1 2 1 3 14 -4 और 5। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, ये दोनों इसके दोनों 1 के नीचे दो जो रो है उनको 0 करेंगे, 0 करने का ट्राई करेंगे, तो क्या आएगा, R2 -3 R1 और R3 -2 R1। सो इसको इसको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 0 0 2 -6 -3 5 -14 -7। और यहाँ पे डैश डैश करना रह गया, डैश 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 डैश, फिर इसको जो चेंज आएगा वो इस वाले में भी चेंज आएगा, 14 -246 और 23। सो फाइनली इसमें से आपको ये दो रो सेम जैसा लगेगा, क्योंकि इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये दोनों रो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों रो का इक्वल हो जाने का मतलब क्या है कि इसका मैट्रिक्स कभी भी 3 नहीं होगा, इसका मैट्रिक्स 2 होगा। सो यहाँ पे हमने फाइनली क्या लिखा है कि R2 = R3, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 3। सो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी 2। सो हमने पढ़ा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये सॉरी ये आया रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी। सो अगर आप सिर्फ ये 3 3 x 3 मैट्रिक्स को भी देखेंगे जो ए वाला पोर्शन है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज इक्वल्स टू रो ऑफ ए, रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू रो ऑफ ए बी आपको मिल गया, और इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर नंबर ऑफ अननोन से लेस है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दोनों इक्वल है और लेस देन नंबर ऑफ अननोन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ नंबर ऑफ अननोन, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वल है और नंबर ऑफ अननोन के कम है, सो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दिस वुड बी द आंसर, हमारा आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स गॉट इट, ये बहुत ही इजी एग्जांपल है और गेट ईसी 2014 में ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अगर आपको प्रॉपर्टीज ध्यान हो और थियरी थोड़ी बहुत ध्यान हो तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल इजी रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं गेट का ही पूछा गया, सॉरी ये एंड सेमिस्टर एग्जाम ईएसई जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, इफ द सिस्टम 2x - y + 3z इज इक्वल टू 2x + y + 2z इज इक्वल टू 2 और x 5x - y + az इज इक्वल टू बी दिया हुआ हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो
क्या होता है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको ए बी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। ए मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो उसमें हम लिख देंगे 2 1 5 -1 1 -1 3 2 a 2 2 b, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था उसी हिसाब से इसमें से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, और 2 2 b हमें इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दिया हुआ ही है। तो क्या करना है, R21 को इंटरचेंज कर देना, 1 को 2 में ला देना और 2 को 1 में ला देना। मैंने जैसे बोला था कि 1 वाले को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। सो फाइनली हमारा इक्वेशन आएगा 1 2 5 1 -1 -1 2 3 a 2 2 b। अब हम क्या करेंगे, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करेंगे और R1 को -5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ये दोनों रो का स्टार्टिंग एलिमेंट जो है वो जीरो मिल जाएगा। तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 100 1 -3 -6 2 -1 a -10 2 -2 b -10। तो आपको क्या करना होगा, ये 2 वाले को R2 जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपका फाइनली आ जाएगा 1 1 2 2, 0 -6 -2 -4, ये एज इट इज रहेगा, नहीं इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4, 0 -6 a -10। सो यहाँ पे आपको बोला है कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब इसका रैंक क्या होगा, 3 नहीं होगा। सो अगर इसका रैंक 3 नहीं होगा तो आप को पता है कि ये दोनों अगर सेम हो जाए और अगर एक डिटर्मिनेंट एक रो जीरो हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -6 -6 दिख रहा है, ये दोनों सेम हो गया है और इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, a -10 = -2 और b -10 = -4। सो आपका फाइनली आपको मिलेगा a = 8 एंड b = 6, ये दोनों आपका होगा आंसर। सो आपको a और b की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, तो a = 8 एंड b = 6। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y - 3z = a, 2x + 3y + 3z = b, 5x + 9y - 6 = c। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ a, b एंड c सेटिस्फाई द इक्वेशन, इनमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये गेट सीई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिविल इंजीनियरिंग गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सो लेट सी। तो इसका हम सिंपली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख देंगे, 1 2 5 2 3 9 3 3 -6 a b c, जैसे हम लिखते थे उसमें वैसे ही। इसमें आपको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला वाला जो है वही एलिमेंट 1 है। सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर देंगे और इस वाले रो को हम -5 से मल्टीप्लाई करके 3 वाले रो में ऐड कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास आंसर मिलेगा के 1 0 0 2 -1 -1 -3 9 9। सो आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंसिस्टेंट है। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कौन सा इक्वेशन इसमें से सेटिस्फाई करेगा। सो कंसिस्टेंट है मतलब ये दोनों आपके मैट्रिक्स क्या है, सेम होंगे। और सो आप इन दोनों को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये तीनों के तीनों सेम है। सो आप डायरेक्टली b -2a = c - 5a कर सकते हैं। सो आपके पास आएगा 3a - b - c = 0। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देख लेना है कि आपका कौन सा इक्वेशन है। सो आपको बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आ रहा है, 3a - b - c = 0। ये वाला आपका आंसर आएगा 3a - b - c = 0। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसलिए यहाँ पे हम दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व कीजिए उसको, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर इसका आंसर जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपका प्रोसीजर सही है कि नहीं। सो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 2y + 3z = -1, x - 3y + 4z = 1, -2x + 4y - 6z = k। द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम
हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज डैश गेट ईसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये एक क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि कंसीडर अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू के के स्क्वायर माइनस के टू के और के स्क्वायर एंड वेक्टर x इज इक्वल्स टू एक्स वन टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज डैश। ये पूछा गया है गेट ईसी 2018 में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से जो गेट एस्पेरेंट्स या ईएससी एस्पेरेंट्स है, ताकि उन्हें गेट के ये मैथ्स टॉपिक पे बिल्कुल डाउट ना रहे और वो लोग आराम से फुल मार्क्स गेन कर सके। सो थैंक यू सो मच गाइस।